ओम शांति। योगी इस धरा पर चलते फिरते लाइट हाउस हैं, जिसे लाइट हाउस का प्रकाश चहुं ओर फैलता रहता है, वैसे ही योगयुक्त आत्माओं का प्रकाश इस वसुंधरा पर चहुं ओर दसों दिशाओं में फैलता रहता है। बाबा ने हम सभी महान आत्माओं को योगी बनाया है। कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं योगेश्वर, स्वयं परम आत्मा ने राजयोग सिखाकर हमें योग बल प्रदान किया है, हम सच्चे दिल से योगी बने। योग का सुख इस संसार में सबसे अधिक है, क्योंकि योग माना स्वयं भगवान के साथ रहना। तो याद रखेंगे बाबा के महावाक्य, बच्चे तुम दो युग तक देवताओं के साथ रहे, तुमने दो युग मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहकर देखो। बार बार इस सुंदर संकल्प को करेंगे तो बाबा के साथ रहने का बहुत अच्छा उमंग मन में रहेगा और हम अनेक बातों से मुक्त होकर परमात्मा मस्ती में मस्त रहेंगे। सोचें भगवान के साथ रहना कितना बड़ा सुख है, कितनी बड़ी बात है। तो क्यों ना हम और सब तरफ से बुद्धि को हटा दें और केवल बाबा के प्यार में मग्न हो जाएं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे पास ही तो वो श्रेष्ठ बुद्धि है कि हम बाबा के साथ निरंतर रह सकते हैं। हमारे पास ही तो वो सद्विवेक है, वो सरल ज्ञान है, जिससे हम निरंतर योग युक्त रह सकते हैं। तो यदि हम नहीं रहेंगे तो भला कौन योग अभ्यास करेगा। इस योग बल से संसार बदलता है, इस योग बल से हम अपना दैवी स्वराज स्थापित करते हैं, इस योग बल से सारा वायुमंडल बदल जाता है, देवकुल की आत्माएं पुनः जागृत हो जाती हैं, धरती चांद तारे आकाश हवा सब बदल जाती है। तो क्या हम इतना सुंदर कार्य नहीं करेंगे? हमें इस बात को बहुत महत्व देना चाहिए कि योग युक्त जीवन इतना महत्वपूर्ण जीवन है। हम सोच लें अपने जीवन में हम किसे महत्व दे रहे हैं? व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ की उलझनों को, व्यर्थ के कार्यों को, या योग युक्त जीवन को? तो आइए हम श्रेष्ठ योगी बनने का सुंदर संकल्प करें। जो योगी हैं वही भगवान को सर्वाधिक प्रिय हैं। योगी तो मानो उसका ही स्वरूप होते हैं। योगियों में लोग भगवान की झलक देखेंगे। हमें अपने को परमात्म रंग में इतना रंग देना है कि हम में स्वयं उसकी ही छवि दिखाई दे। तो जो आत्माएं इस तरह अपने को महान बनाएंगी, वो इस संसार में विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सबसे बड़ा योगदान देंगी। तो आइए हम सभी चलते फिरते लाइट हाउस बने, हम माइट हाउस बन जाएं, कमजोर आत्माओं को शक्तियों का दान दें। आज सारा दिन यही प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। मैं चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, सारा संसार इन पवित्र वाइब्रेशन से निहाल हो रहा है, सारे संसार का अंधकार दूर होता जा रहा है, और ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें, बाबा की प्रकाश की किरणें मुझ में समा रही हैं।
तो ऊपर से मुझ में समा रही हैं और नीचे मुझ से चारों ओर फैल रही हैं। ये सुंदर अभ्यास आज सारा दिन करते रहेंगे। ओम शांति।